ऐसा मत रुइन मत कर, आपको 50 बचपन से जानता हूँ मैं अनु जी को, एक्चुअली बचपन में इनका जन्म हो गया था और मैं छोटा सा था तब से देखा, मैंने 40 साल का तब बर्थडे मनाया था हमने 30 साल पहले और आज ये 50 के हो गए हैं। बर्थडे किसका है, बर्थडे किसका है? अनु जी 50 के नहीं है, फारा मैम 50 की नहीं है, मोना 50 की दिखती नहीं है, मतलब हाँ। मेकअप वेकअप इतना बढ़िया करते हैं लोग, होता है। तो फिर 50 का कौन है बाबा? तुम? नहीं नहीं, गोंगू, गोंगू। अरे गोंगू, अरे तुम लोग पागल हो गए क्या? ये 50वां एपिसोड है, किसी का बर्थडे भी नहीं है, चलो शो चालू करो। हमारे शो की गोल्डन जुबली है। थैंक यू ऑडियंस, हम सब लोगों को इतना प्यार देने के लिए हमारे शो की गोल्डन जुबली। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारे सेमीफाइनल्स हैं, जिसमें हर सेमीफाइनलिस्ट को एक चैलेंजर का सामना करना पड़ेगा और जो भी जीतेगा वो फाइनलिस्ट की रेस में बना रहेगा और उस फाइनलिस्ट को मौका मिलेगा हमारे ग्रैंड फिनाले में मेगा एंटरटेनर का खिताब, 10 लाख रुपए, OLX.in की तरफ से एक स्मार्टफोन और ये चमचमाती ट्रॉफी। साथ ही हमारे मेगा एंटरटेनर की जिंदगी में आएगी रफ्तार, क्योंकि उसे मिलेगी होंडा की तरफ से एक CB ट्रिगर मोटरसाइकिल, जिससे उनकी शान कई गुना बढ़ जाएगी। सो अनटेम योरसेल्फ बिकॉज होंडा इज होंडा। Presenting his season ke best duo, Sumit and Rajni from Haryana. अभी से पैर ऊपर, मतलब तुमने तो अभी तक उसे जमीन तक नहीं आने दिया। मैं मन नहीं करता नीचे उतारने का, ऊपर उठने का बहुत शौक लग गया है। तो आप लोग तैयार हैं अपने चैलेंजर्स से मिलने के लिए? ऑफ कोर्स सर, हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे चैलेंजर्स राज एंड संगीता फ्रॉम चंडीगढ़। हम दोनों का सेम एक्ट मिलता है, लेकिन हम एक्स्ट्रा करेंगे, सालसा के साथ तड़का भी लगाएंगे। अरे ये भी बहुत तड़का वाले मसाले वाले हैं दोनों। कोई बात नहीं, मसाला डबल मसाला लगाएंगे। अरे बात है, तो करेगा कौन पहले? ये डिसाइड करने के लिए आपके सामने हमने बोल रखा हुआ है जिसके अंदर चिट है। ओके, तो फारा मैम आप चिट निकालिए, जिसका नाम पहले आएगा वो पहले परफॉर्म करेंगे। सुमित एंड रजनी।
कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? बोलती बंद हुई कि नहीं? नहीं नहीं, बोलती क्यों बंद होनी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। हाँ। लेकिन हम डबल करेंगे इससे परफॉर्मेंस। इससे भी अच्छा। और जजेस आपको कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? सुमित एंड रजनी, देयर इज नो डाउट दैट यू ऑल बोथ आर मतलब इनक्रेडिबल है, अनबिलीवेबल चीजें आप लोग करते हो। आज थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हुई है, दो तीन चीजें हुई नहीं ठीक से, पता नहीं या तो तुम्हारा रिस्ट स्प्रेंड है सुमित। यस मैम, रिस्ट स्प्रेंड है। yes, वो मुझे दिखाई दे रहा था तुम्हारे। हाँ। फाइनल्स के लायक हैं, हमें लेके जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि रिवॉल्विंग स्टेज पर ये एक्ट करना, आई डोंट थिंक मेनी पीपल हैव अटेम्प्टेड, तो उसके लिए मैं आपके लिए दिल से ताली बजाना चाहता हूँ। थैंक यू सर। तो भैया आप लोगों को कॉन्फिडेंस है फिर डबल मजा देने का? फुल कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस है। तो जजेस फिर हमारे चैलेंजर्स तो हैं, इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए फिर? बिल्कुल, हम तैयार हैं। एक्चुअली इस एक्ट के बाद ये क्या करते हैं हम लोग दोनों बेताब हैं, तो फिर चैलेंज शुरू किया जाए। सुमित एंड रजनी से हम पहले पूछना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर इनका एक्ट देख के, क्योंकि लगता है इसी को कंपटीशन बोलते हैं। जजेस कैसा लगा आपको कि इन्होंने डबल मजा दिया जो ये कह रहे थे? जब हमने सुमित और रजनी का एक्ट देखा, आई फेल्ट देयर वाज ट्रेमेंडस प्रोफेशनलिज्म। मैंने सोचा कि कमाल का एक्ट था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब तुम दोनों को मैंने देखा, यू ऑल ब्रॉट सो मच फन, तुम दोनों ने भी आग लगा दी, इनके लिए भी ताली बजानी पड़ेगी। राज एंड संगीता, देयर वाज नो डाउट के आपका थोड़ा फन वाला एक्ट था, लेकिन मुझे संगीता से कंप्लेन है। yes. संगीता वाज नॉट हैविंग फन एट ऑल, वो डिस्टर्ब लग रही थी, वो जब हाथ मिस हो रहे थे, थोड़ा क्लमजी था आपका एक्ट भी। अगर उनका था तो आपका भी क्लमजी था एक्ट। और मैं ये बता दूं कि यू ऑल वर ट्राइंग टू डू मैनी थिंग्स, लेकिन ऐसा एक्ट मैंने मैड सालसा में भी देखा है, एंड दे वर फार बेटर, और वो अभी भी फिनाले तक नहीं पहुंचे। तो नाउ वील डिलिब्रेट एंड वील डिसाइड के कौन किसे हम चूज करें। तो आप दोनों प्लीज स्टेज पे आइए। जजेस क्या फैसला है आपका, आपके हिसाब से कौन होगा फाइनलिस्ट की दौड़ में? सो जजेस डिसीजन पे पहुंच गए कि फाइनल्स की दौड़ में कौन रहेगा। वेल सुमित एंड रजनी, आपका दिन आज इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी आप राज और संगीता से बेटर थे, तो आप आ रहे हैं फाइनल्स की दौड़ में।
Congratulations, Sumit Rajni. You are in the finalists' race. Thank you. Will you be in the final or not? You will know later. Okay. Thank you, Rajan, thank you, Sangeeta. So much. Thank you, sir. Entertained. Thank you. Welcome back to Entertainment Ka Daily Dose. Brook Bond Red Label presents Entertainment Ke Liye Kuch Bhi Karega. Powered by OLX.in. बहुत-बहुत वेलकम है आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोगों को सेमीफाइनल्स में आके हैप्पी है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है हम पहली बार सेमीफाइनल्स में आए हैं कंपटीशन में पार्ट लिया है एंड फॉर अस ट्रायो रॉकस्टार्स बहुत बहुत बड़ा हमारे लिए हो गया अच्छा रॉकस्टार्स आप तीनों को क्या लगता है आज आप जीतेंगे और फाइनल्स में पहुंचेंगे कि नहीं हमने बहुत कोशिश की है बहुत मेहनत लगाई है और हम चाहते हैं कि हम फाइनल्स पे आए टॉप 9 में आके हमको आगे तो जाना ही है भगवान करे कि आप लोग फाइनल्स में आए आपको जो चैलेंज देने के लिए अब आ रहे हैं वो बहुत ही महान आर्टिस्ट हैं उनसे हम आपको बाद में मिलवाएंगे हां पहले हम चाहेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस हम देखें
जजेस कैसी लगी आपको? गर्ल्स तुम लोग एक के बाद एक शॉकिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हो हमें रियली, क्योंकि हमें लगता है कि इसके बाद अभी क्या करोगे. दिस योर थर्ड परफॉर्मेंस आई थिंक, और आज यू हैव रेज द बेंचमार्क. आज तो तुमने वो अब्सॉर्बिंग बॉल के अंदर चेंज किया, इट इज सो डिफिकल्ट वहां खड़ा रहना भी, और तुम क्विक चेंजेस कर रही थी इंक्लूडिंग बोथ द गर्ल्स. सो आई जस्ट थॉट इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट entertaining acts that I have seen on all seasons of entertainment. Thank you so much, ma'am. अपने अंदाज में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कभी पर्दे उठाते हैं, वाह, कभी पर्दे गिराते हैं, वाह, कपड़े इस तरह बदलते हैं जैसे चने खाते हैं. Rockstar, you honestly are here to stay, and I can predict. I can see you in the finals. Wow! क्या बात है? बड़ा मैम, आपने अभी तक जितने भी एक्ट देखे हैं ना, हमारा चैलेंजर उन सभी का बाप है. और लगता है वो आ गया, because I can just feel it. हाँ हाँ. वो आ गया. आ गया, आ गया. आ गया. उसकी आवाज सुनाई दे रही है. देखो. किधर है? जानते नहीं हो आपने हमारे कंपटीशन को इतना मुश्किल बना दिया है. गोहेब, मैं तो अभी ट्रबल में हूँ यार. मुझे हाँ. तो लग रहा है तुम्हें सीधा फिनाले में ले जाऊं. थैंक यू सो मच. ये थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सर. आपको ये हिम्मत कैसी हुई इस मंच पर आके ये परफॉर्मेंस करने की? मतलब आपने शो को क्या समझा है? एंटरटेनमेंट एक ऐसा मंच है जहाँ पे लोग आके अपना टैलेंट बताते हैं. तो ये टैलेंट एक ऐसा है मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ था. वो जो आपने पोल पर ऐसा इतना भरा हुआ था सर कि मैं यहाँ ही आके बता सकता था और मैंने बता दिया सर. तुम्हें ख्याल कैसे आया कि हमारे रॉक स्टार्स को तुम चैलेंज करोगे वो भी इस एक्ट से? रॉक स्टार इज द बेस्ट टीम, मैंने देखा था टीवी पे. लेकिन आई एम द वेरी बेस्ट. मैं बताना चाहता था लोगों को, आज तक ये मंच पे कोई ऐसा नहीं ना चले. वो तो है. हाँ. और मुझे लग रहा है गंजी भी तुम उतारने वाले थे लेकिन yes. तुम रुक गए. आज सलमान खान बन के रुका आज तो. ओए वाह 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 वाह. ये सलमान खान काम राम कपूर ज्यादा लग रहे हैं. पेट से राम कपूर हूँ, बाकी से सलमान है. तो रॉकस्टार ग्रुप प्लीज स्टेज पर आइए. अब सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल, इन दोनों में से कौन फाइनलिस्ट की दौड़ में बना रहेगा? ये मैं बताता हूँ, इट इज वेरी सिंपल. तो जोहेब तुम नहीं आगे जा सकते हो, रॉकस्टार गर्ल तुम जाओगी. दिल तोड़ दिया सर. रॉकस्टार गर्ल्स के लिए सो कांग्रेचुलेशंस रॉकस्टार गर्ल्स. आप लोग फाइनल्स की दौड़ में हैं और ये आपको बाद में पता चलेगा कि आप फाइनल्स में हो या नहीं. ऑलराइट, सो प्लीज टेक योर सीट एंड थैंक यू जोहेब. Entertainment's giving you a go.
एंटरटेनमेंट का डेली डोज ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा पावर्ड बाय OLX.in और ये है हमारे सेमीफाइनल जहां कुछ चैलेंजर हमारे सेमीफाइनलिस्ट को दे रहे हैं एंटरटेनमेंट से भरा चैलेंज। आप जो सेमीफाइनलिस्ट यहाँ आने वाले हैं उन्होंने अपने टैलेंट से हर बार हमारे जजेस को और हमको चौंकाया है। यहाँ तक कि क्वार्टर फाइनल्स में भी वो हमारे जजेस को खुश करके बन गए हमारे महा एंटरटेनर। तो एक बार फिर अपने एंटरटेनमेंट के साथ मैदान एंटरटेनमेंट में आ रहे हैं आज आप लोग परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो? यस डेफिनेटली। डर तो नहीं लग रहा? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे एक मिनट, डर ऐसे कैसे भैया लगेगा? जब मैं एक नाम लूंगा तो डर लगेगा। बताओ डर लगेगा कि नहीं? मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ जो आपको चैलेंज देने वाला? आप जो नाम लेंगे उनके पहले हमारा नाम लीजिए तो उनको जरूर डर लगेगा। क्या बात है, काफी ठसन है क्योंकि वो आप ही के इलाके से हैं और कहते हैं कि हम इनकी वाट लगा देंगे। कौन है भाई? है ये है RC बॉयज फ्रॉम मुंबई। क्यों चुना इन्फिनिटी को? इनको क्यों चैलेंज देना चाहते हैं? क्योंकि सर हम लोग को लगता है कि हम लोग के टक्कर में सिर्फ ये एक ही ग्रुप है हम लोग के हिसाब से। अच्छा, लेकिन हम लोग कम थोड़ी है। आपका क्या कहना है इन्फिनिटी ग्रुप? ये पता है पीछे मुझे मिले थे तो कह रहे थे कि फाइनल्स की लिस्ट में से इनका नाम मिटा देंगे हम लोग। हम लोग सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हम लोग पागल थोड़ी है इतने महीनों से कि हम लोग इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए और इन लोग आके हमें बाहर निकाल देंगे। ये स्टेज हमारा है, इधर से रिटर्न इनको ही जाना है। हम लोग फायर देंगे, आग लगा देंगे, ट्रैक गिरेगा यहाँ पे। और अनु जी वैसे भी देखा जाए तो चैलेंजर्स राउंड है, ये चैलेंजर्स राउंड है। चैलेंजर्स राउंड है तो एकदम टशन का चैलेंज होने वाला है। बिल्कुल होना चाहिए। दोनों सेम इलाके से हो? मैम हम लोग नाला सुपारा एंड विरार से। और तुम लोग? हम लोग नाला सोपारा भाई। अरे क्या नाला सोपारा की वार! अनु यार शूट आउट है, नाला सोपारा होने वाला है। तो हमें बताइए कि पहले कौन परफॉर्म करेगा? अरे पहले तो यही करेंगे ना, चैलेंज तो इन्होंने दिया है तो आई वांट RC ग्रुप टू परफॉर्म। सो मैजिक वर्ड्स हो जाए तो
तुम लोग कह रहे थे ना फाड़ेंगे, फाड़ डाला, आग लगा डाला, इतना अच्छा कभी नहीं देखा. Infinity, क्या कहेंगे आप? You were superb. Thank you so much. Thank you. Well done, Infinity. Good sporting spirit. Very good spirit. ये होता है कुछ टक्कर का चैलेंज. पहले तो मैं इन्फिनिटी को बोलूँगी, गाइज आई अप्रिशिएट कि जब उनका कुछ गड़बड़ हो गया आप उनको एनकरेज कर रहे थे, उनके लिए ताली बजा रहे थे. आई थिंक दैट्स द स्पिरिट. इनके लिए भी आप लोग ताली बजा रहे थे. आरसी ग्रुप, व्हाट एन एक्ट यार. तुम लोग पहले भी यहाँ आए हो और इतने से के लिए तुम रुक गए थे, मतलब हम तुम्हें आगे नहीं लेके गए थे. मैं अभी दावे के साथ कह रही हूँ, ये एक्ट आपने तब दिखाया होता ना, आपको कोई नहीं रोक सकता था. और आज ये एक्ट के साथ मुझे भी थोड़ी टेंशन हो रही है. इन्फिनिटी मेरा पहले से ही फेवरेट रहा है, आई हैव बीन सपोर्टिंग देम, लेकिन आज आपने सचमुच टक्कर का चैलेंज दिया उनको. आरसी ग्रुप, मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही है कि लंका में डंका बजाने आया बजरंगा. लंका में डंका बजाने आया बजरंगा, सिया राम का नाम लबों पे लेकर. तुम्हारा चैलेंज खूब था इन्फिनिटी ग्रुप, अभी जाकर तू भी कुछ कर. इन्फिनिटी कम ऑन, गो गेट देम. और दर तालियां इन्फिनिटी ग्रुप के लिए.
स्टैंडिंग ओवेशन मिली आपको ऑन हाउस, जोरदार तालियां इनके लिए। इन्फिनिटी आप लोग छा गए, मतलब छा गए। आरजी ग्रुप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। जजेस देखो आज किसी की तो बैंड बजेगी और सबसे पहले हम दोनों की बज रही है अभी, कि क्या करे यार। एक पॉइंट में दूंगी आरसी ग्रुप को, उनका जो थॉट था वो इतना नॉवेल था इस डांस फॉर्म में करना, दैट दे गेट फुल पॉइंट्स ऑन दैट। बट आप लोग ने एक भी मिस्टेक नहीं किया, कुछ हुआ नहीं है। सो नाउ इट्स गोइंग टू बी अ रियली टफ कॉल। इन्फिनिटी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमने आप पे डिसाइड किया है, बोथ ऑफ अस हैव टू टेक अ कॉल, बट इट्स सो क्लोज कि मेरी एक राय मान लो, आप लोग दोनों एक टीम हो जाओ यार और आ जाओ यार। एक्ट के अंदर देशभक्ति इसे कहते हैं। तुम्हारे सिवा किसी का राज नहीं, लेकिन कौन जाएगा? I'll tell you something, जो भी जाएगा लूजर सिर्फ जजेस और ऑडियंस ही रहेगी, क्योंकि अगर होता तो हम आप दोनों को ले आते। और बोथ वाज जस्ट फैंटास्टिक, बोथ ऑफ यू। तो फैसला लेने से पहले आरसी बॉयज प्लीज आप लोग भी स्टेज पर आ जाइए। सो जजेस प्लीज हमें बताइए कि इन दोनों में से कौन है जो फाइनल्स की दौड़ में है। आरसी, यू ऑल वर जस्ट स्पेक्टेक्युलर टुडे, स्पेक्टेक्युलर। आपने इतना, आपका कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको 100/100 देती हूँ। बीच में थोड़ी गड़बड़ हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, अगर अभी, क्योंकि अभी इतना टेंशन आ गया है कि मुझे छोटे छोटे पॉइंट्स पे जो हम शायद पहले नजरअंदाज कर देते उस पर भी मुझे अभी बोलना पड़ेगा। इन्फिनिटी योर एक्ट, स्टैंडिंग ओवेशन दी हमने, ये मुझे कहना पड़ेगा। इफ इट कम्स टू क्लीनर स्ट्रॉन्गर मोर रिहर्स्ड ग्रुप इट इज इन्फिनिटी। लेकिन अब अनु जी बताएंगे कि हमने क्या डिसीजन लिया है। फाइनल की दौड़ में जो आ रहे हैं वो है इन्फिनिटी। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि एंटरटेनमेंट की टीम ने हमारे लिए जो चैलेंजेस ढूंढे थे उन्होंने परफेक्ट ढूंढे थे, बिकॉज इन लोग ने हमें बहुत बड़ी टक्कर दी है, इतनी टक्कर हमें कोई नहीं दे सकता था। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। आरसी ग्रुप के लिए जोरदार तालियां एंड कांग्रेचुलेशंस इन्फिनिटी ग्रुप। आप हमारे फाइनल्स की दौड़ में हैं, ऑलराइट। तो ये आपको बाद में पता चलेगा कि आप फाइनल्स में हो या नहीं हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब देखते हैं आज के सभी मुकाबलों के विनर्स की एक छोटी सी झलक। फैब ग्रुप तो हमारे पहले फाइनलिस्ट बन चुके हैं, अब इनमें से कौन होगा जो फाइनलिस्ट बनने वाला है? बहुत जबरदस्त चैलेंज राउंड हुआ है आज। आप में से जो फाइनल में जा रहा है वो नाम है रॉकस्टार। Congratulations, Rockstar. Sumit Rajni, really sorry. Sorry, Sumit Rajni. Infinity, sorry. I know आप लोग चाहते थे कि आप finalist बने, लेकिन क्या करें? आप finalist हो? Entertainment के लिए,
भी करेगा। Congratulations, Infinity Group. आप हमारे finalist, आपको मिलते हैं पूरे एक लाख रुपए और OLX Garden की तरफ से एक smartphone जिसमें OLX app already downloaded होगा, जिससे आप अपने cell phone को बना सकते हैं cell phone. तो Fab Group, Rockstar और Infinity Group अभी तक ये तीन एंटरटेनर हमारे फाइनलिस्ट बन चुके हैं और कल है हमारा आखिरी सेमीफाइनल, यानी कल एक और एंटरटेनर फाइनलिस्ट बनेगा। कौन होगा वो, कोई सेमीफाइनलिस्ट या कोई चैलेंजर, ये जानने के लिए हमसे मिलिए कल। तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।